सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के वेस्ट रामनगर में गाड़ी को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ और पुलिस के हेड कांस्टेबल के बीच में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने लग गए। दोनों की ये करतूत एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने दोनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल मारपीट की तस्वीरें सोनीपत के वेस्ट रामनगर की हैं और मारपीट इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो कि एक तो हरियाणा पुलिस का हेड कांस्टेबल संदीप है जो कि राय थाने में तैनात है, तो दूसरा शख्स सोनीपत पीडब्ल्यूडी विभाग का एसडीओ पंकज है। दोनों को गली में कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों मारपीट पर उतारू हो गए। एक ने तो अपने पद की गरिमा नहीं रखी तो दूसरे ने अपनी वर्दी की। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीडब्ल्यूडी के एसडीओ पंकज मेहरा ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार आ रहा था तो मैंने गली में गाड़ी खड़ी की, पीछे से एक पुलिस वाले ने हॉर्न दिया लेकिन आगे भी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस वाला गाड़ी से उतरा और मेरे साथ मारपीट करने लगा। वहीं राय थाने में तैनात हेड कांस्टेबल संदीप से मीडिया ने संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस पूरे मामले में सीटी थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि हमने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। जो है ये बच्चों के साथ, जो है वाइफ के साथ और बच्चा था, तो उसको लेके वेस्ट रामनगर है, अपने रिलेटिव रहते हैं, गया हुआ था। तो गाड़ी मैंने बिल्कुल साइड में जो है पार्क कर दी थी अपने वाली गाड़ी। पीछे से ये कोई संदीप कुमार है जो पुलिस में जो हेड कांस्टेबल है, पीछे से काफ़ी हॉर्न बजा रहा था। तो जनरली आगे से भी एक गाड़ी आ रही थी, तो पहले तो यही कन्फ्यूजन था कि भाई ये हॉर्न किसको दे रहा है, क्या दे रहा है, लेकिन रेगुलर जो है इसने हॉर्न बजाना बंद नहीं किया। तो उसके बावजूद जो है मैं इसके पास चलाया गया और इसने खिड़की खोल के, क्योंकि इसने अपने सनग्लासेस जो ग्लास हैं उन पर जो है सनशेड वगैरह लगा रखे थे, और इसने खिड़की खोली तो इसने वर्ड यही था इसका कि ये मतलब कि इस तरह गाड़ी पार्क करने की तमीज़ नहीं है क्या। तो मैंने ये कहा कि भाई गाड़ी की तमीज़ क्या होती है, और गाड़ी मैंने बिल्कुल जो है साइड में पार्क कर रखी है तो तुम्हारी गाड़ी आराम से निकल सकती है। तो कहता कि तू वर्ड्स ये क्या होता है मतलब कि। तो फिर मैंने ये कहा आप अपनी गाड़ी निकाल के ले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हारे को। बाद में फिर मैंने अपना परिचय भी दिया कि भाई मैं ऐसे से पोस्टेड हूँ यहाँ पर। तो उसके बावजूद भी इसने जो है बदतमीजी है और जो है लैंग्वेज इसने अच्छी यूज़ नहीं करी, जो वल्गर लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो उसके बाद इसको जो है मैंने बोला कि बीस तरीके से कैसे बकवास कर रहे हो आप। तो उसने जो है खिड़की से गाड़ी उतर के वहीं बीच में गाड़ी लगा के और इसने धक्का मुक्की स्टार्ट करी, और उसके बाद जो है इसने हाथ उठाया। आप शिकायत की? हाँ, मैंने जो है इसकी अपने जो है पुलिस स्टेशन जो सिटी का है उसमें इसकी कंप्लेंट मैंने उसी दिन सैटरडे को दे दी शाम को, दिनांक 10/9/22 को। पंकज मेहरा एसडीओ साहब हैं, वो अपने के रिश्तेदार के यहाँ वेस्ट रामनगर में आए हुए थे। वहीं पर एचसी संदीप जो फिलहाल राय थाने में पोस्टिंग है, अपनी गाड़ी लेके ड्यूटी पर जा रहा था। तो रास्ते में गाड़ी क्रॉस में गाड़ी को खड़ी करने में एक दूसरे को कहा सुनी होगी, आपस में गुच्छा हो गए, जिनमें दोनों तरफ से कंप्लेंट आई है, नियम अनुसार दोनों की कार्रवाई की गई है।